नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर जनपद की आबादी 36 लाख से ऊपर है, लेकिन इस 36 लाख आबादी की स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। जिला अस्पताल में ज्यादातर विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है, जिससे यहाँ इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, जिला अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात के वक्त अस्पताल जाने वाली महिलाओं से कई बार चेन छिनैती की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन सब बातों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों पूर्व विरोध स्वरूप मुंडन भी कराया था और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर सपा कार्यकर्ता आज डीएम ओम प्रकाश आर्य से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम से मांग की अस्पताल की व्यवस्थाओं को सही कराया जाए और अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ साथ अस्पताल जाने वाले रास्ते पर प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। मामला ये था कि ये पूरे जिला गाजीपुर का मामला है। जिला मुख्यालय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, प्रकाश की दुर्व्यवस्था के कारण हम लोगों को जिला अधिकारी से मिलना पड़ा है, लेकिन इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार उम्मीद है कि माननीय जिला अधिकारी जी कुछ ठोस कार्रवाई करें। सबसे पहले हम लोगों ने जिला माननीय जिलाधिकारी जी से गाजीपुर की मुख्य चिकित्सा अस्पताल की मुख्य मांगें रखी है। जो डॉक्टरों की कमी है, वहाँ प्रकाश की दुर्व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीन लगी है जो कि डॉक्टर और संचालन के अभाव में वो लगातार दम तोड़ रही है। जिलाधिकारी महोदय जी ने पूरी तरह से ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और वो हम लोग को संतुष्ट किए हैं कि इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर यह काम 12 नवंबर तक नहीं होता है तो 16 नवंबर को एक बड़ा संघर्ष का ऐलान होगा।